सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में प्रश्न नंबर 46 पढ़ेंगे। एक त्रिभुज बनाओ जबकि दो भुजाएं और आधार कोण सी दिया है। देखो इसमें हमें दो भुजाएं दे रखी है। सबसे पहले हम भुजा ले लेते हैं, एक ही भुजा ले लेते हैं, एक और हम भुजा ले लेते हैं इससे थोड़ी बड़ी। ये हमारी दो भुजाएं आ गई है, ये आपकी है बी और ये आपकी है ए। इस भुजा को मैं और थोड़ा लंबा ले लेता हूं इस तरह से, और हमारे को एक दिया हुआ है कोण सी, तो हम एक कोण ले लेते हैं ये हमने कोण ले लिया है और हम इसको यहां पे इसमें चाप लगा देंगे। इस तरह से अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए रेखा दी हुई है इसके बराबर हमने, ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर की, तो हमने इसके बराबर यहाँ पे एक रेखा ले लेनी है जिसके ऊपर हमने कार्य करना है। तो यहाँ हम रेखा ले लेते हैं और हम इसको नाप देते हैं, कम है हमारी, इस रेखा को नाप देंगे और इतनी ही लाइन ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं, तो इसी के बराबर ये देखिए ये हमारी रेखा है। और हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमने हमने एक कोण ले रखा है सी, ये हमारा कोण है सी और ये रेखा हमने ली है ए के बराबर। तो सबसे पहले हमने जितना आपका सी कोण है इतनी आपने प्रकार खोलनी है यहां से, जितना ये इधर को कोण है ये आप देख सकते हैं, और हमने यहां से इतनी प्रकार खोल के यहां पे हमने चाप लगा देनी है इस तरह से। तो हमने क्या करना है, जितना ये ऊपर को हमारा कोण है यहां से बड़ा, मतलब जितना ये कोण है इतना है, इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ से इसको ऐसे काट देना है और हमने इसको मिला देना है यहाँ पे। हम इसको मिला देंगे और इसको हम अभी हल्का मिलाएंगे, हम इसको डार्क लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये फिक्स नहीं है कि कितनी लाइन हमारी है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास बी दिया हुआ है, बी एक रेखा दी हुई है इतनी हमने प्रकार खोलनी है। आप देख सकते हैं B के बराबर, ये देखिए हमने B के बराबर यहाँ पे प्रकार खोल दिए, और ये जो आपका A पॉइंट है यहाँ से हमने इसको काट देना है यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा पॉइंट है A और ये हमारा है B। अब हमने क्या करना है, जो ये रेखा आपकी आ रही है इसको अब हम डार्क कर देंगे और यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे C। अब हम इसको डार्क कर सकते हैं इस तरह से, और अब हमने सी और बी को भी आपस में मिला देना है, इसको भी हम आपस में मिला देते हैं इस तरह से, और ये आपका जो प्रश्न है वो बनके तैयार हो गया है। ये हमारा प्रश्न नंबर है 46 46 है 9th क्लास का, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 47। एक त्रिभुज बनाओ जब आधार ए बी और आधार कोण ए बी दिए। सबसे पहले हमें दिया हुआ एक आधार, तो हमने एक आधार लेना है, इसमें ये हमने आधार ले लिया है, ये आपका है ए और बी, ये हमने आधार ले लिया है। दो हमें इसमें कोण दे रखे हैं ए और बी, तो हम यहाँ पे ए और बी दो कोण ले लेते हैं इस तरह से, दो लाइनें लगा देंगे और यहाँ पे हम जो है वो कोण ले लेंगे इस तरह से।
इन कोणों पे हम चापे लगा देते हैं, इन कोणों पे हम चापे लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, जितना हमारे पास ए और बी रेखा हमारे पास दी हुई है, दी हुई रेखा इतनी हम जो है प्रकार खोलेंगे और हम इतना निशान लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा यह निशान है और हम इसको मिला देंगे। ये दी हुई ए बी रेखा के बराबर हमने ए बी रेखा ले ली है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ए और ये हमारा है बी। अब हमने क्या करना है, जितने आपके ये कोण हैं ए और बी, ये आपका है कोण ए, ये है आपका बी। अब हमने क्या करना है, जितना ये आपका ये कोण है ए कोण है, ये आप नाप लो इस तरह से। ये जो कोण है वो आपने बनाना है ए से, यहाँ पे आप इसको इस तरह से बना दीजिए। इतनी चाप हमने, क्योंकि ये भी इतनी है, इतनी दूरी पे है, तो हमने बी से जो है ये चाप लगा देनी है यहाँ से इस तरह से। और हमने पहले ए कोण जो आपका ये देखो इतना है, तो हमने यहाँ से इसको काट देना है इस तरह से। और बी कोण आपका है ये थोड़ा कम है, तो हम इतनी प्रकार खोल के इसको यहाँ से काट दें इस तरह से। और अब हम इनको आपस में मिला देंगे। तो हमने इनको अभी पहले हल्का मिलाना है, हम ये नहीं पता है कि दोनों लाइनें हमारी कहाँ जाके मिलेगी इस तरह से। और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से अब हम इसको डार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट आ चुका है कि कहाँ तक ये रेखा जानी है, यहाँ तक ये रेखा जानी है। और यहाँ हम जो है हमारी लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं इस तरह से। और यहाँ हम पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। तो ये जो आपका एंगल है, ये प्रश्न नंबर आपका है 47, ये आपका बन के तैयार हो गया है। ये आपका ए कोण है, ये आपका बी कोण है, दिए हुए ए बी कोण के बराबर और ए बी रेखा के बराबर हमने ये त्रिभुज बना दी, आपका बन के कंप्लीट हो गया।